तो दोस्तों एक कॉमन सेंस वाली सवाल है, जो इसको बता दिया समझो वो सही खेल रहा है। और देखते हैं मृणाली, योगेश और ओमकार, इन तीनों में से कौन सबसे पहले बता दो। मृणाली आंसर तो दो। सर कुछ क्वेश्चन पहले पूछो, क्वेश्चन पे लिखो ना, वो दे देगी मुझे फिर। लगा मतलब ओमकार। तुम्हारा भी नाम वो मृणाली दे ही है क्या घर का? सच बताओ, देगी बोला मैंने, वो दे देगी। अगर तुम्हारा नाम घर का मृणाली है, देन आई एम इसको भी वेरी मेरा हैप्पी नाम टू देन पसंद है शायद, नाम आई एम चेंज वेरी। करवा लेगा अभी। अरे हो जाता है पता है योगी, सॉरी ओमकार, कोर्ट में एफिडेविट डाल के हो जाता है, आराम से हो जाएगा, कष्ट भी नहीं हम करवा देंगे बोलो। लेने पड़ेंगे और जो 100 रुपये मेरा कमीशन है ज्यादा, ना, 150 रुपये कमीशन, वो भी नहीं लेंगे। और बताओ सर, जो नाम क्या कहते हो, नहीं। क्या कहते हो साजना, तुम हमसे दूर रह के। गाना सुना नहीं हो, नहीं जल्दी सर, जल्दी से बता दो भाई, बिना कैलकुलेशन के बताना है ये तो। तेरे बिना कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के बताइए। HCL। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वो क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पी, अरे यार, इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी, ऐसा ही कुछ होता है। तुम बोलोगे हाँ, जिसमें आर तो भैया पहले से कांस्टेंट है, बोल दिया टेम्परेचर और प्रेशर को भी सिमिलर बना दो सबके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो ये सब कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो डेंसिटी फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका सबसे ज्यादा है, 37 नहीं 36.5 हो जाएगा ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? ये 17, सॉरी 18 1 19, इसका कितना हो जाएगा? 36.5। इसका कितना हो जाएगा? 2। इसका कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका तो डेंसिटी इसका ज्यादा, ठीक है, फॉर एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। रोनाली गॉट इट? यस सर, ठीक है, क्यों ना हम लोग आगे की तरफ कूद के चले। चलो भैया यस। कूदो। यस तो लो, इसे कहते हैं डाल्टन्स लॉ। कौन लॉ? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स डाल्टन्स लॉ क्या लॉ। कहता है, किसके बारे में कहता है? डाल्टन्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करना चाहिए। ये डाल्टन अंकल कहते हैं कि देखो, ये लॉ जब भी पढ़ोगे ना, तो उसके लिए कुछ रूल है, कुछ सेट है, कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि नॉन रिएक्टिव गैस मिक्सचर पे ही मेरा रूल काम करेगा, नॉन रिएक्टिव गैस मिक्सचर, यानी वो जो अमोनिया वाला ले लिए थे ना केस, उसमें काम नहीं करेगा। दूसरा, ये बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही काम करेगा। अब समझ में आया, ये दो चीज के लिए काम करेगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलोगे नहीं, लेकिन काम क्या करेगा ये तो बताइए। तो देखो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं दोस्तों कि ये एक कंटेनर है। ये क्या है? कंटेनर, ध्यान से सुनना। इस कंटेनर में मान लेते हैं कुछ गैसेस हैं, एक मिनट, इस कंटेनर में कुछ गैस है, दिख रहा है क्या किसी को? बोल हाँ सर, लो रोनाली, तुमको नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। कुछ यस नो, यस नो ऐसे बोलते रहो। उसके बैटरी का नंबर ज्यादा हो गया। बैटरी का याद मत दिलाओ, इसी बैटरी के चक्कर में मरे थे ना। हाँ कौन याद आ रहा है? मरा था? कौन मरा था? तुम कब कब? कुत्ते की तरह किसको मारा गया था इस बैटरी के चक्कर में? हाँ, मारा नहीं था सर उसने। अब याद आया, देखो देख रही हो मृणाली, उसकी याददाश्त कैसा कमजोर हो गई है सर, भुलक्कड़ है ये। करे सर, पढ़ाई कर रहा हूँ तो याददाश्त कमजोर हो गई है। देखो काम काम नहीं नहीं चलेगा, चले। सवाल पूछ लिए उसको। हाँ ठीक है, आओ देखो, इंडिविजुअल गैस का तो तुम प्रेशर निकाल सकते हो ना, तुम
बोलोगे हाँ निकाल सकते हैं, पता इंडिविजुअल गैस का प्रेशर आपने बोला है निकालना है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और जिसका मोल उसी का प्रेशर आ जाएगा। क्यों भाई, यही पढ़े हो? बोलोगे हाँ पढ़े तो है। तो अगर तुम ऐसा काम कर सकते हो तो आईडी, तो डाल्टन साहब बोले कि अगर तुम ऐसा काम कर सकते हो, वैसे ये हम पहले ही करके दिखा चुके हैं, कब 150 आया था ना, देखे ना दोनों प्रेशर को हम जोड़ दिए थे, वही था डाल्टन का। तो अगर ऐसा काम कर सकते हो तो ध्यान देना, जितना भी नॉन रिएक्टिव गैस मिक्सचर होगा और जो आइडियल गैस होगा ठीक है, उसके लिए हम टोटल प्रेशर लिखते हैं कंटेनर में, पीटी, पी टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर, सॉरी प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस प्रेशर ऑफ गैस सी एंड सो ऑन, जितने भी गैसेस हैं उन सब का प्रेशर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं नहीं मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? तो इससे हाँ क्या पता चलता है? तुम बोलोगे इससे ये पता चलता है फ्रेंड्स, सॉरी सर, कि जो प्रेशर है ना, वो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? तुम बोलोगे मोल के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल के। तो इसका के मतलब ये हुआ कि अगर हमको किसी एक कंटेनर का गैस मिक्सचर के बारे में बता रहा है ना, कंटेनर मान लो एक ही है, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ इसको, यहाँ पे लिखता हूँ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि ये सब एकदम नोट करते ही जाना, क्योंकि इससे सवाल खट 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 सॉल्व हो जाएगा। यदि एक ही कंटेनर का गैस मिक्सचर है ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? तुम बोलोगे सर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, हम बोलेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर मैं पी ए बाई पी बी लिखूं, ध्यान से सुनना, रेशियो, तो क्या ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोल ऑफ ए बी अपॉन मोल ऑफ बी, सॉरी मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी? बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला में, इसका क्वेश्चन में काफी यूज आने वाला है, इसको करना है, लिखना है। कब एप्लीकेबल है? जब एक ही मिक्सचर, एक ही कंटेनर का हो दोनों, यानी कि वो कंटेनर ए में है, ये कंटेनर बी में है, तो नहीं, एक ही में होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर, लिख यस डाले क्या? सर, यस ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अब ये पी ए और पी बी को क्या कहते हैं? ये पी ए और ये पी बी जो तुम कैलकुलेट किए हो, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। भाई पार्शियल इस, प्रेशर। हाँ, अब इस कंटेनर में जब तुम उतरोगे ओमू, तो तुमको कितना प्रेशर फील होगा? तुम बोलोगे हमको तो इतना प्रेशर फील होगा, है ना, टोटल प्रेशर। तो उस टोटल प्रेशर में ए का कितना योगदान है? तुम बोलोगे पी ए। बी का कितना योगदान है? पी बी। सी का कितना योगदान है? पी सी। तो ये थोड़ा थोड़ा योगदान कर रहे हैं ना, इसीलिए पार्शियल, क्या वर्ड यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर। गॉट इट पार्शियल या नहीं गॉट इट? यस गॉट इट। तो इधर देखो, पी ए, मैं ब्लैक से लिखू, पी ए कॉमा पी बी कॉमा पी सी एंड सो ऑन, दे आर पार्शियल प्रेशर, दे आर पार्शियल प्रेशर। इस पार्शियल प्रेशर को एक निकालने का एक और फॉर्मूला है, मान लो पी ए है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी। क्या होता? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर बी का है तो क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टी, टोटल प्रेशर, देख रहे हो। अगर सी का है तो क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टी, है ना, वेयर, एक मिनट, वेयर पी टी इज टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को ही कंटेनर का भी प्रेशर कह देते हैं, पता है ना? यस सर, पी ए क्या है यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। अब देखो मोल फ्रैक्शन इस टॉपिक का नहीं है, बट फिर भी मैं अभी बता दूंगा। और यहाँ है पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन, है ना, बाकी तो समझ ही जाओगे। इसे काई ए भी कहते हैं या जीटा ए भी कहते हैं,
जो कहना है कह दो, काई ए या जीटा है। तो जीटा ए क्या होता है? जीटा ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब मोल फ्रैक्शन समझना है क्या होता है, चलो नेक्स्ट पेज पे जल्दी से समझाते हैं। हो गया? ओके चलो आ जाओ इधर, समझो मोल फ्रैक्शन जल्दी से, थोड़ा सा समझाएंगे, है ना? थोड़ा क्या, पूरा ही आ जाएगा उसमें। तो ये एक कंटेनर है, आपने इसमें तो एक बताया गैप। था मोल फ्रैक्शन। हाँ मैंने बताया था, फिर से एक बार बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है तीन गैस, ध्यान से सुन लो, तीन गैस है, एकदम ध्यान से सुनते जाना। ये है गैस ए, ये है गैस बी, ये है गैस सी। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मुझे एक बात बताओ, इसमें टो और देखो, मोल ऑफ ए को हम किससे डिनोट करेंगे? मोल ऑफ ए को हम डिनोट करेंगे एन ए, ठीक है? मोल ऑफ बी को किससे डिनोट करेंगे? एन बी। मोल ऑफ सी को किससे डिनोट करेंगे? एन सी। बोलो कोई दिक्कत? यानी हम कह रहे हैं इस कंटेनर में कितना मोल है इसका? एन ए। इसका कितना है? एन बी। कितना है? एन सी। मुझे एक बात बताना सभी लोग, टोटल मोल कितना है इस कंटेनर में? टोटल मोल तुम बोलोगे ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, क्या प्लस इतना ही होगा? बोलोगे हाँ इतना ही होगा। अब इस टोटल मोल में ध्यान से सुनना, इस मोल का क्या फ्रैक्शन अवेलेबल है? तुम बोलोगे वेरी इजी, वेरी इजी। आप मोल ए का फ्रैक्शन पता कर रहे हो ना, फ्रैक्शन ऑफ मोल ए, है ना? फ्रैक्शन ऑफ मोल ए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सिंपल है कि नहीं है भाई? देख लो, हम हाँ बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल मोल कंटेनर में कितना है और इसका कितना मोल है ऊपर डाल दो। ये इसी से तो फ्रैक्शन पता चल जाएगा ना, कितना फ्रैक्शन है इसका, यानी कितना कंट्रीब्यूशन है इसका मोल में। जैसे प्रेशर ऑफ गैस में बोले थे ना, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मोल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? इतना कंट्रीब्यूशन। बी का कितना होगा? यहाँ पे एन बी लिख देना। सी का कितना होगा? यहाँ पे एन सी लिख देना, और नीचे सब बराबर। और अगर सारे फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो आंसर वन ही आएगा, ठीक है? इसे ही कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। याद रखना, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ सी अपॉन टोटल मोल। गॉट इट या नहीं गॉट इट? अरे बता दो भाई। सर। हाँ सर। आओ एक सवाल पूछे इजी सा, जल्दी बोलो, कोई हाँ कुछ बोलता भी तो नहीं। बोल दिया ना सर। हाँ किसके आज खाने में क्या बन रहा है? यहाँ? तुम्हारे पड़ोस की, पड़ोसी के यहाँ? पड़ोसी के यहाँ पता नहीं सर, और मैं बात तुम्हारे नहीं यहाँ करता। मैंने अभी नाश्ता किया, क्या किया? नहीं, पोहे खाया। मैं ये बोल रहा हूँ, पड़ोसी तुमसे बात नहीं करता है, तुम पड़ोसी से बात नहीं करते? मैं नहीं करता पड़ोसी से बात। वैसे भी पड़ोसी लोग इंसानों से ही बात करते होंगे, गधों से कौन बात करेगा? नहीं सर, इधर अपार्टमेंट में पड़ोसी मुंह की तरफ नहीं देखता, हम उनकी तरफ नहीं देखती। ओह, ऐसा स्थिति आ गया तुम्हारा, यार ये तो काफी गलत है। नहीं सर, यहाँ नहीं नहीं है ना मामा जी वगैरह, भाई बच के वही रहना, सर। किसी दिन पड़ोसी तुमको पटक पटक के मारना ना स्टार्ट कर दे, और मार मार के चटनी ना बना दे तुम्हारा। ध्यान से, सावधान, एक तुम्हारा सारा हेकड़ी निकाल सामने दे। वाले सर सामने आंसर सी एक सामने क्या होगा? आंसर ती। सी। क्यों भाई? क्यों? क्यों? लॉजिक, लॉजिक। वो मतलब अभी तो आपने बताया, और अरे तो लॉजिक बताओ ना तुम, तुमको बताने में दिक्कत है रिएक्ट, लॉजिक। हाँ नॉन रिएक्टिव गैस मिक्सचर होना चाहिए। यस, ये रिएक्ट करके क्या बना देगा? अमोनिया, 2NH3, है ना? अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अमोनिया बोलोगे हाँ। ये क्या बना देगा? एच टू HCl सी एल टू, तो 2HCl, ये आपस में रिएक्ट ही नहीं करेगा ना। क्यों दोस्तों, क्या तुम इसी आधार पे कूद रही थी मृणाली?
कूद नहीं रही थी, बता रही थी बस सर, कूद अच्छा तुम बता रही थी। ही रही तो नहीं, वो चलो बंदर की तरह कूद रही थी। ठीक है, ओके ओके। को क्या पता बंदर कूदते या नहीं कूदते। ये तो है। नहीं खाए खाए। ठीक एक सवाल ले लो फिर चलेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन दोनों के ऊपर। ठीक है, इक्वल वेट्स, ध्यान से सुनना। मैंने बताया था ना कि केमिस्ट्री में वेट और मास के पीछे मत पड़ जाना, बर्बाद हो जाओगे, और फिजिक्स में इन दोनों को अलग मत कर देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्यों रुनाली? तुम बोलोगे सर किसी भी हाल में बर्बाद ही होना है क्या? नहीं होना तो नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं तो दोगे सर तो हो जाओगे। भाई अपने एक बार सर उस एकेडमी का भी किताब पलट के देख लिया करो, मृणाली तुम देखती हो कभी कभी कि क्या है उसके अंदर कुछ कौन से एकेडमी बुक, सीबीएसई बोर्ड, मतलब तुम्हारा जो बोर्ड है उसका किताब विताब कभी देखती हो जीवन में? का? हाँ सब पलट के देखती हूँ मैं, मतलब कैसा लगता है? अच्छा लगता होगा। सर सुनो ना, सॉल्व लगेगा ना सर, सुनो ना सर, वो पेजेस की आवाज सुनती होगी और रख देती होगी। अच्छा है, आवाज अच्छा है। सर सभी लोग थोड़ी डोंकी के जैसे करते। हाँ ये भी तो है। नहीं तो मैं तो देखता ही नहीं सर, मुझे टेंशन नहीं इसलिए। लेकिन सर मैंने कहा ही नहीं कि ओमकार डोंकी करके, ये लेकिन वो जरूर समझ स्वीकार कर लो रहा है तो तुमको इसमें कोई दिक्कत है मृणाली? वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है सर। तो मैंने सर सुनो ना, मुझे अच्छा मैंने लग रहा है कि एक्सेप्ट हाँ भी नहीं तो किया, कुछ। मैंने मेरा बताया, मैं तो देखता ही नहीं बोला। अच्छा सर हाँ, योगेश ने तो नहीं बताया ऐसे, उसने ही क्यों मैंने बताया? भी, हम भी नहीं बोले, हम लोग चुप बैठे थे, वही कूद के बोला है। समझ जाओ, दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही पूरा काला है, बंदा ही बंदा नहीं है, क्या है वो, गधा है, देख लो भाई। तुम तो धोखेबाज। जल्दी से सॉल्व कर दोगे क्या? इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुन लो। इथेन जो है ना, C2H6 है ना, इसका फॉर्मूला होता है C2H6 इथेन, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। क्या होता है दोस्तों? H2। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप खुद ही कैलकुलेट करोगे अगर जरूरत पड़ा तो। मैं नहीं बताने वाला, मैं नहीं बताऊंगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया, C2H6 इथेन होता है, और H2 क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या बोल रहा है? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज, तो रेशियो क्या पूछ रहा है समझे? देखो, इक्वल वेट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर, इतना। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, इधर सुनो, ये किस चीज का प्रेशर पूछ रहा है मृणाली? ये देखो, ये बोल रहा है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल प्रेशर, ये इसका रेशियो पूछ रहा है। समझ में आया? ठीक देख लो, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज, तो टोटल प्रेशर के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का निकाल दो जितना है। चंदा कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो। लेकिन मोल तो दिया नहीं है, क्या करोगी मृणाली? मोल तो दिया नहीं है। इक्वल दिया है ना वेट, हाँ, मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इक्वल तो दोनों का वेट कितना ले लोगे? डब्ल्यू। क्या ले लोगे? दिया। डब्ल्यू। और मॉलिक्यूलर वेट तो तुम कैलकुलेट कर ही सकती हो, इतना तो मुझे आशा है तुमसे, आशा उम्मीद है ना, ये सब है। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? H2 का। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन में हम H2 क्यों लेते हैं मृणाली? H भी तो ले सकते थे। दैट्स क्योंकि नेचर में H2 के फॉर्म में मिलता है ना, राइट, इसलिए। नेचर में वो H2 के फॉर्म में ही पाया जाता है। जल्दी से कर लो सॉल्व, कर लो कर लो। मैं यूं गया और यूं आया।
आया कुछ? आ गया फिर। हाँ सर, लास्ट लास्ट वाला है क्या? वाला, लास्ट वाला 15 लास्ट रेशियो वाला 15। 15-16, 15-16। हाँ एकदम सही खेल यस रहे हो भाई, यू गाइज आर प्लेइंग वेल। देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर गलत वाला आया वो अलग बात है, क्योंकि वो गलत धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ क्या मैं भी इसे सॉल्व कर दूं एक बार बच्चों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं? बोलो हाँ मृणाली, नहीं मृणाली। हो जाएगा उनसे भी सॉल्व, अरे नहीं होगा गधे बच्चे से, नहीं होगा सर उनसे नहीं होगा। इक्वल वेट देखो। सर। हाँ बोलो, कुछ नहीं कुछ नहीं, बताइए। ठीक है देख लो, मैं बोल रहा हूँ इक्वल वेट तो अपने पास दे दिया, तुम बोलोगे हाँ दे दिया, तो तुम लोग प्रोसेस बताओ ना, क्या मोल बराबर डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं? बोलोगे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं PH2 की जगह क्या लिख दूँ? आ, 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 आ। वीवी तो कैंसिल हो बाय जाएगा ना, वॉल्यूम क्या है? मिक्स इन एन एम्प्टी कंटेनर, कंटेनर सेम है तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, देखो ना कैसे। इधर देखो मैं लिख रहा हूँ, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन टू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल, है ना? मोल की जगह मैं क्या लिखता हूँ? W/2। कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं नहीं। इन टू आर इन टू टी, कितना टी कुछ दिया है? टी कितना दिया? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 को मैं क्या बोल दू? 25 को मैं बोल देता हूँ टेम्परेचर सेम ही है ना सबके लिए 25, तो टेम्परेचर को मैं 25 ही लिखता हूँ या टी ही लिख देता हूँ, छोड़ो ना। टेम्परेचर उस गैस के लिए भी लिख सेम है, इसके लिए भी सेम है, क्योंकि मैं रेशियो निकालूंगा ना अपने को, तो रेशियो से मतलब। वही टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तुम बोलोगे हाँ। मोल क्या हो जाएगा? मोल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मोल क्या हो जाएगा? ऐड होगा कि नहीं होगा भाई? W/2 प्लस W/ कितना होता है इसका? कार्बन तीस। का हो जाएगा 12 दूना 24 6 30, है ना? 30 कर लो दोनों को ऐड, ये हो जाएगा कितना? 30। 15W प्लस W, है ना? 16W/30 आया है क्या सबका? तो ये टोटल मोल, अपने को सब कुछ टोटल लिखना पड़ेगा ना, अब तो सारा कहानी टोटल में चल रहा, तो मैं लिखूंगा 16W/30। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 16W/30, सorry 16W/30। तुम बोलोगे इतना क्यों कर रहे हो? इस 30 को उठा के आप ना ऊपर डाल दो और इस 2 को नीचे कर दो क्या? तो हम बोलते हैं ठीक है, जब तुम लोग इतना गिर गिरा रहे हो तो ठीक है, आओ गिड़ा नहीं रहे W सर। बाई टू और इंटू 30, और R का तो R ही रहेगा, टेम्परेचर 25 है तो 25 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सब कट रहा है काटो ना, वॉल्यूम वॉल्यूम काटो, R से R काटो, R से R काटो, T से T काटो, T से T काटो, W से W काटो, है ना? इससे इसको काटो, 15 15:16 आंसर हो गया। खत्म। ये तो बहुत इजी था, काट कुट हमेशा बचा के रखो लास्ट के लिए, है ना? पहले करोगे तो फिर कहानी समाप्त हो जाएगा, और आर वार जो है ना, आर इस आर को भी बचा के रखो लास्ट के लिए, नहीं तो काफी गलत हो जाएगा तुम लोगों के साथ। चाहते हो कि गलत हो बताओ? नहीं नहीं सर, नहीं चाहते हो तो फिर बचा के रखो। आओ एक सवाल देखें, इसे हम लोग मतलब सवाल कहते हैं, टॉपिक देखें, इसे हम लोग कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यह है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ध्यान से सुनो। डिफ्यूजन क्या होता है भाई? हम यहाँ पे दो टर्म सीखने वाले, एकदम ध्यान से सुनते जाना। एक है डिफ्यूजन, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरे का नाम हाँ है इफ्यूजन। एक का नाम है डिफ्यूजन, दूसरे का नाम है इफ्यूजन। तो बॉस ये डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन के बारे में पहले लिखते हैं और फिर प्रेम से इसको समझते हैं दोनों चीजों को, और इससे रिलेटेड सवाल भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा।
अरे यार, मम्मी को कैसे कॉल करें? ये लिख लिए क्या तुम लोग? बताओ। ठीक है। डिफ्यूजन सुनो। मूवमेंट या मोशन? मूवमेंट लिख देते हैं। मूवमेंट ऑफ गैस मिक्सचर। हाई प्रेशर, टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, थ्रू ओरिफिस। देखो भैया आगे देखो, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? लिख लिए तो मैं जल्दी से बता दो इसको। लिखे लास्ट में, लास्ट थ्रू ओरिफिस, ओ आर आई एफ में आई सी ई, ओरिफिस। ओरिफिस यानी ओपनिंग। छोड़ो ना, इतना हाई इंग्लिश लिखने का क्या जरूरत है? थ्रू ओपनिंग हटाओ। ठीक है बताओ, समझ ले इसको, समझ ले। इसमें बहुत कुछ बताना है बट मीटिंग को दस्तक दे दिया। हाँ लिखे तो चलो आगे बढ़े। सर। आओ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखो। मैं बोल रहा हूं कि जब तुम लोग अगरबत्ती जलाते हो, जलाए हो कभी जीवन में? तो यहाँ अगरबत्ती जला, वो इंसेंस स्टिक, और यहां से खुशबू चारों तरफ फैल गया, यहाँ वहां यहाँ वहां। तो ये क्यों हो रहा है जरा सोच के बताओ। तुम बोलोगे सर इसलिए हो रहा है क्योंकि गैस के पास एक नेचर है कि गैस अपना इधर उधर रैंडम कहीं भी घूम घूम सकता है। हाँ या ना, बोलो। हाँ उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं है, वो इधर उधर जहां मन करेगा वहां घूमेगा। क्या मृणाली, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। हाँ, और ये क्या करेगा अगर मिक्सचर का कांस्टेंट टेम्परेचर रहे, मतलब रूम टेम्परेचर जहां पे तुम अगरबत्ती या सब कुछ जला रहे हो, उसका क्या है कि वो एक साथ उसके साथ मिक्स होके होमोजीनस मिक्सचर बना देगा। आया ना, बताओ। सर ठीक है, अपना एक साथ उसमें घुल मिल जाएगा, है ना। यहाँ तुमको जितना खुशबू फील होगा वही इतना, वही इतना, वही इतना, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली। ठीक है बताओ, हाँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाओ। इफ यू डिफ्यूजन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम बोलोगे नहीं डिफ्यूजन में तो कोई दिक्कत। डिफ्यूजन सुनो जरा, सुनना है डिफ्यूजन हाँ तो सुनो। तो ये क्या है, ये क्या है? गैस है क्या? मैंगो मैंगो, मैंगो, मैंगो। क्या? मैंगो सर। ये देखो, अगरबत्ती में सिर्फ तो गैस निकलता है, उसका नाम क्या रहता है? सर क्या सिस्टम है भाई? कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब निकलेगा। इसके साथ कुछ खुशबू वाले पार्टिकल्स भी होते हैं। इधर देखो, मैं ये बता रहा हूँ, ये तुमको कंटेनर दिख रहा है, सभी लोगों को बोलोगे हाँ। अब कंटेनर अगर क्लोज है तो मुझे बताना क्या कंटेनर का प्रेशर
एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा एटीएम से, यानी बाहर के प्रेशर से? बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ अंदर का प्रेशर ज्यादा है एटमोस्फेरिक प्रेशर से, बोलो कोई दिक्कत मृणाली? अब हमने क्या किया, इधर ध्यान से देखना, यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया, यहाँ बहुत छोटा, दिखा तुमको? बहुत छोटा सा छेद किया, बहुत कम छोटा सा, इसे हम लोग कहेंगे ओरिफिस। क्या कहेंगे? ओरिफिस। ओरिफिस या फिर ओपनिंग, मैं लिख देता हूँ ओरिफिस। अगर ओरिफिस इतना छोटा है तो क्या गैस यहां से निकलना स्टार्ट करेगा धीरे 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 धीरे? तुम बोलोगे यस, गैस तो निकलेगा यहां से, गैस निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा। क्यों भाई, गैस तो निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना अमरुनानी, यहां से गैस यस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी चीज को कहते हैं हम लोग इफ्यूजन। क्या कहते हैं? इफ्यूजन। जब हाई प्रेशर वाले एरिया से, ध्यान से सुनो, हाई प्रेशर वाले एरिया से गैस किसी एकदम छोटे पॉइंट से निकले या ओरिफिस से निकलना स्टार्ट करे, उस चीज को क्या कहते हैं? इफ्यूजन। दोनों में अंतर समझ में आया, इफ्यूजन और डिफ्यूजन में? बोलोगे हाँ समझ तो आ गया। हाँ ये जो इफ्यूजन है इसका एक फॉर्मूला होता है बहुत तगड़ा सा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मैं लिखने वाला हूं रेट ऑफ इफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ, रेट ऑफ इफ्यूजन। रेट ऑफ इफ्यूजन का जो फॉर्मूला है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, आर यानी रेट ऑफ इफ्यूजन, ये होता है प्रेशर इनटू एरिया अपॉन अंडर रूट 2 पाई mRT। बोलो कोई दिक्कत? तुम बोलोगे इसमें क्या क्या चीजें हैं जल्दी बताइए, तो जल्दी लिख लो भाई, लिख लो, मीटिंग बंद हो जाएगी नहीं तो। पी यहाँ पे प्रेशर है, पी यहाँ पे क्या है? प्रेशर ऑफ गैस यानी अंदर वाला प्रेशर, ये वाला गैस की वजह से तो अंदर ही प्रेशर है ना, तो ये क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। गैस। क्यों मृणाली, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नो ठीक है। इसके अलावा ए क्या है यहाँ पे? एरिया, एरिया ऑफ ओरिफिस, यहाँ कितना एरिया है ना, एरिया कितना है इसका ओपनिंग का, तो एरिया ऑफ ऑरिफिस, एरिया ऑफ ओरिफिस। इसके अलावा 2 और पाई तो कांस्टेंट है, आर तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, उसके बारे में नहीं लिखेंगे, एम के बारे में लिखना चाहेंगे है ना, और टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है वो भी बताएंगे। एम क्या है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। इसके मॉलिक्यूलर वेट इसके ऊपर डायरेक्ट इक्वेशन वाला सवाल तो आने का चांस बहुत कम है, लेकिन इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल सवाल पूछा जा सकता है जिसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, बट ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो आप उसका जवाब भी नहीं दे। टी होता है टेम्परेचर ऑफ गैस, क्या होता सी। है? आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो उसके बारे में मत पूछना है ना, अदरवाइज आई विल हैव टू ब्रेक योर लेग्स, ठीक है? तो अब मुझे बताना, अगर प्रेशर गैस का ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन यानी गैस के निकलने की जो गति है वो क्या होगी, तेज होगी कम होगी? तुम बोलोगे यहां से जो मुझे दिख रहा है ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ज्यादा तो ये ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेट ज्यादा, भाई ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर ये डायरेक्टली है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए? बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लिख सकते हैं तो मुझे ये बताओ क्या मॉलिक्यूलर वेट के साथ भी हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं इसका? बोलोगे हाँ। क्या रिलेशन निकल के आता है? हम निकालेंगे रिलेशन, ध्यान से देखो, कि आर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट, आया ना? बोलो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ध्यान से सुनते जाना, उसका रेट ऑफ इफ्यूजन कम हो जाएगा, यानी जो गैस भारी होगा वो जल्दी नहीं निकल पाएगा, जो हल्का होगा वो जल्दी निकल जाएगा, हाँ कि ना? बोलो भाई, जो हल्का होगा वो जल्दी निकलेगा, जो भारी होगा वो नहीं निकलेगा, वो ये फॉर्मूला हमें पता है, बताओ कोई प्रॉब्लम? नो इसके अलावा टेम्परेचर के साथ भी उल्टा रिलेशन देख लो। अब तुम बोलोगे टेम्परेचर के साथ उल्टा रिलेशन क्यों, तो ये काफी अच्छा सवाल है, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, चाहो तो कर लेना। तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए, सर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्यों? तो फिर तो इसको जल्दी निकलना चाहिए, तो जवाब है जी नहीं,
ध्यान से सुनो, जब टेम्परेचर ज्यादा नहीं था तो क्या पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे थे, हाँ या ना, सोच के बताओ। इसी में टेम्परेचर में खेला होता है, अभी टेम्परेचर में सुन लो जल्दी से, है ना, 1 मिनट है। लेकिन जैसे ही तुम तापमान बढ़ाओगे, यहाँ का पार्टिकल यहाँ जाने लगा, वहां जाने लगा, वहां जाने लगा, जाना उसको इस ओरिफिस में था, अब वो इधर टकराने लगा, उधर टकराने लगा, उधर टकराने लगा, इधर टकराने लगा। प्रोबेबिलिटी इसके यहाँ आने का बहुत कम हो गया, क्योंकि वो इधर इधर उधर इधर इधर उधर भागने लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इफ्यूजन कम हो जाता है, जबकि डिफ्यूजन इधर उधर भागने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। लिख लो, मैं इधर लिखता हूं, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो इसको लिख देना स्टार में, रेट ऑफ इफ्यूजन। मीटिंग बंद हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करना। डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√t, जबकि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ध्यान से सुन लो, रेट ऑफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये लिख लो मृणाली जल्दी से। लिख लिया सर।